तो पाताल लोक से निकलता हुआ हमारा शेर और सामने है सवा शेर। सामने वाला चला आ रहा है अयोन एंड आज हम लोग देखने वाले हैं मेरे मोस्ट पावरफुल विलेंस गेम प्ले। भाई मेरे पास जितने भी पावरफुल विलेंस हैं आज मैं उन सभी का गेम प्ले लेके आया हूँ आप लोग के लिए। सामने है अयोन जिसकी हेल्थ है 51.37387 के, मतलब बहुत यार, और अपनी 53 है, मतलब 1000 ज़्यादा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना पुट्टी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है भाई, रेड वेड में कतई जहर है। और सामने वाला अयोन भाई पीवीपी का किंग है और आजकल अयोन की बल्ले बल्ले, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको ब्लॉक कर सकूँ लेकिन भाई नहीं हो रहा क्योंकि सामने वाला मुझे कुत्ते की तरह, अरे मेरा जंजी टू द रेस्क्यू वेस्ट हो गया ब्रो। कोई बात नहीं, मार लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं जंजी टू द रेस्क्यू हो गया। अरे भाई जा, सामने वाला मेरे को कोई मौका ही नहीं देगा अब लग रहा है। अयोन भाई कोई मौका नहीं, ओके ठीक है, नहीं नहीं पड़ा, अस्तला विस्तला मार देंगे अब तो। ओके शील्ड दबा ली, चलो एक बार तो गलती से शील्ड इसने दबाई कम से कम। ओ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे आप तो फिनिश कर देगा बाबू, अपना तो निपटा हुआ केस कर देगा। अरे महाराज क्या मैं बताऊँ तुम्हें, ओ दी 900, ठीक है ठीक है, अबिलिटी मारेगा, अबिलिटी मारे बच, ओ भाई साहब बचा 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 बचा, कौन दिक्कत नहीं है, कौन दिक्कत नहीं है, ब्लॉक मारेगा, ब्लॉक मारेगा ओ बचा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो 8400 की एचपी, बहुत सही, क्या बात है। पता नहीं इसने हाथ के साथ एबिलिटी क्यों नहीं मारी, एबिलिटी में तो भाई मूव कॉस्ट भी नहीं लगती है और ये नशे कर रहा था पता नहीं क्या, लेकिन इसे एबिलिटी साथ में मारनी चाहिए थी। तो डार्क लॉर्ड से फन वे, ओ भाई साहब ये अपना है सिल्वर रेंजर, क्या नाम था इसका, नाम तो मुझे कुछ याद नहीं, टाइजोन था शायद इसका नाम। और मेरे पास है लॉर्ड जेड, भाई सच्ची में ये लॉर्ड है क्योंकि इसकी हेल्थ है 55,000 और इसका डैमेज बहुत हार्ड है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मिडल स्लॉट का डैमेज बहुत तगड़ा है। और मैं असीस चला रहा हूँ आपको बताइए, मतलब जंजी टू द रेस्क्यू, क्या मेरी टंग ट्विस्ट हो गई थी अचानक से, एंड आयोन नहीं सॉरी ओरियन असीस, ठीक है। और सामने वाला बंदा जो है वो कॉमन असीस यूज़ कर रहा है दोनों के दोनों, और उसके पास है लेवल 7 टाइजोन। मेरे पास देखो टाइजोन से बचने के लिए एक ही शील्ड है मिडल स्लॉट वाली, और जो मैं ढंग से शायद से स्वाइप भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने बंदे को, तो मैं मारूंगा कैसे, ओके मार लें दो से जो मारता है, ठीक है एक शील्ड मैंने यूज़ करी, एक और बची है, मेरे मिडल शॉट में एक और शील्ड आ गई लक बाय चांस, अपने पास एक और शील्ड है मैं उसका यूज़ भरपूर कर सकता हूँ शायद से, नहीं ओ शिट एबिलिटी, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब ओ शिट डैमेज, ओ भाई इसका हेल्थ, मतलब इसका डैमेज बहुत कम था मेरा स्ट्राइक, मतलब मेरा जो डिफेंसिव था उस मूव का, ठीक है। और ये एबिलिटी मारेगा और ओके मैं भी जंजू दरस्की मारूंगा, बोर भाई साहब क्या बात, साथ साथ उड़े। तो मेरा जंजी टू द रेस्क्यू मारने का जो मतलब फैसला था वो बिल्कुल सही था क्योंकि वो टाइजोन वाला बंदा स्वाइप नहीं कर पाता, एबिलिटी के टाइम पे आप स्वाइप नहीं कर सकते अगर आप टाइजोन की एबिलिटी मारो तुरंत के तुरंत, तो मेरा चांस था कि मैं जीतूंगा, ठीक है, और वही हुआ। मिस्टर एक्स ब्रो खेल रहे हैं और मैं चला रहा हूँ इस समय मेरा मोस्ट पावरफुल मेसोजो, भाई ख़तरनाक है ये भी, और ये भाई रेड गेम में तो एकदम बेस्ट है मेरे लिए, और ये पीपी लेडर में भी मेरे लिए बहुत पावरफुल है। तो आज मेरे पास जितने भी ज़्यादा मतलब मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं विलन्स वाले, सिर्फ और सिर्फ विलन वाले, मैं वही यूज़ करूँगा एंड आप लोग को दिखाऊंगा कि भाई की रियल मतलब कितना ज़्यादा डैमेज देते हैं रियल में, मतलब ये ओके, और कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं भाई इनके मैचेस देखने में, मज़ा आती है इनको देखने में, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। स्पेयर चेस्ट बूम, ओके नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई साहब ब्रेन ब्लास्ट, इसके 3 हिट पड़ते हैं और 12000 के आसपास इसका डैमेज पड़ता है जो कि बहुत हार्ड होता है। यहाँ पे है मास्टर जंडेड लेवल 10 VIP सूरज, ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत गर्व होता है कि भाई ये बहुत प्रो प्लेयर है, अखंड अखंड मतलब प्रो है, मुझसे भी 4 हाथ आगे है, मतलब बहुत प्रो है। तो इसने मुझे कई बार हराया भी है, मैं अलग अलग कैरेक्टर्स यूज़ करता रहता हूँ ना, तो मैं सभी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना, कभी कई बार मैं ऐसे कैरेक्टर्स यूज़ करता हूँ जो मैं महीनों से नहीं खेले होते जिनके साथ, और ये बंदा आयोन लेके आता है और उनको पेल देता है, और ऐसा ही आज इसमें भी हो रहा है मास्टर जेंडर्ड से, मतलब मैं आसानी से मार खा रहा हूँ, ये बाद में मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे बोलेगा कि भाई तुम्हारे को तो मैंने सुअर भर दिया, तो इसी बात का आज मैं फैसला करूँगा इसका, एंड इसका सुअर भर के मारने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। अगर मैं लीडर से नहीं जीता ना भाई तो मैं असी स्पैमिंग से जीतूँगा, लेकिन ये बेज्जती मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्पैम करेंगे समेट देंगे लोग, अरे टांगे खोल लीजिए,
ओके समेटने का ट्राई करेंगे, समेट नहीं मिस मिस समेट ओके एबिलिटी आ चुकी इसकी नहीं ओ भाई एबिलिटी क्या बात है, वाह कितना हरामी था मैं, मतलब दोनों बार एबिलिटी उसने मारी, दोनों बार मेरे नहीं पड़ी क्योंकि एक बार मैंने स्ट्राइक मार दिया और एक बार मैंने मारा ब्रेकर जो कि क्रिटिकल हुआ जो कि बहुत सही था। तो दोबारा से मतलब वो तो मानेगा नहीं अपनी बैटल, लेकिन मैं ईमानदारी के लिए दोबारा से मास्टर जेंडर से दूसरी बैटल खेला हूं, जो कि अपोनेंट है ओमेगा पावर 55,000 हेल्थ, मेरी है 47,000 हेल्थ जो कि मेरी इससे करीब 8,000 कम है, लेकिन फिर भी भाई एक मतलब इंटेंस बैटल दिखाने के लिए मैं आपके सामने ये वाला मैच लेके आया हूं। बूम समेट ओ यार ये इस जगह का स्क्रीनशॉट बहुत सही मिलेगा, मैं बैटल के बाद यहां का स्क्रीनशॉट जरूर निकालूंगा। भाई साहब उसका पिन से पैरालाइजर मेरा ब्रेकर बहुत हार्ड था, ओ शेट मेरा दोनों मूव गया, स्ट्राइक भी गई एंड मिडल स्लॉट तेरी एबिलिटी ओके इसकी एबिलिटी आ चुकी है, बहुत परेशान कर रही है ओमेगा पावर लेवल 4 बूम ओके मैं शायद से एक स्ट्राइक और मार सकता हूँ मास्टर फ्यूरी बूम। अगर हम लोग पावर मीटर को ध्यान से देख के यूज़ करें ना भाई तो हम बहुत अच्छे से गेम प्ले कर सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने अभी खेला नहीं ओ मैं गया गया गया, 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 गया स्ट्राइक नीदरलैंड स्ट्राइक मैं चाहता हूँ कि मेरा स्ट्राइक पड़ जाए अदरवाइज मैं निपटा हुआ केस हो जाऊँगा। ओ फाड़ा शाबाश, देखो उसकी एबिलिटी ख़त्म हो गई थी वरना वो मेरे को कैच कर लेता अच्छा ब्रेकर, लेकिन एबिलिटी नहीं थी इसलिए मैंने उसे पेल दिया स्ट्राइक से जो कि बढ़िया था। वी विलेन अल्बू ब्लैक ऑप्स बढ़िया, मेरे पास है स्नाइड जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसका ब्रेकर 16,000 का है और ये बहुत ही ख़तरनाक करेक्टर है। ओपोनेंट है 53 KHP, मेरे पास है 44 KHP और मेरी HP और उससे बहुत कम है, करीब 10,000 का फ़र्क है, लेकिन फिर भी मेरा डैमेज मतलब मिडल स्लॉट मेरा बहुत पावरफुल है, इसके वजह से शायद मैं जीत जाऊं पर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि भाई उसके पास भी बढ़िया टीम है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है उसका मैचेस खेलने का, मेरे पास कोई शील्ड नहीं है, उसके पास डबल शील्ड है, डबल स्ट्राइक है और एक ब्रेकर भी है और एक स्ट्राइक असिस्ट भी है, तो उसके पास ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू मेरे पास। बट ओ भाई साहब एबिलिटी बूम ओके मैं चाहता हूँ कि मैं रश डाउन मारने का कोई जुगाड़ बनाऊँ ताकि मैं अपने मिडल स्लॉट स्पैम कर सकूँ, अगर मेरा मिडल स्लॉट मतलब यानी कि वोल्टेक्स लॉन्च पड़ता है तो ये एक बार में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है इसकी 6 की कॉस्ट है और वोल्टेक्स लॉन्च इतनी जल्दी भरने वाला नहीं, 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 नहीं यार शिट 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 ये बुरा हुआ स्नाइट के साथ, मैंने वैसा बिल्कुल भी सोचा नहीं था। कोई बात नहीं नेक्स्ट बैटल में देख लेंगे। सोमदत्त पांडे थैक्च नहीं आता आंदे भाई साहब, आओ रेड रेंजर इसकी तो 56 KHP है भैया और अपनी 46 की, ये तो 12,000 ज़्यादा है, मेरा जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं ट्राई करूँगा। एक तो ये स्वाइप हो जाती है ये बड़ी समस्या है यार। ओके मैं एक बार ब्रेकर मारूंगा एंड पर्सनलिटी स्प्लिट बूम ओके बढ़िया था, करीब टोटल 10,000 का डैमेज मुझे मतलब मैंने उसे दे दिया, 6.5 क्रिटिकल लग जा, अरे नहीं मार सकते तो, और यार ब्लॉक मुझे लगा लास्ट टाइम जैसे मारूंगा ब्लॉक हो करेगा नहीं तो मैं इसे सूतने का ट्राई करूंगा, लेकिन भाई कहाँ होता है आपको पता ही, एक स्ट्राइक एंड ओम 12,000 रह गई इसकी हेल्थ, शिट चिड़िया ने उड़ा दिया मेरे को ओके कोई बात नहीं इसको भी डैमेजर काफ़ी सही था मेरे हिसाब से। ओ गया गया एबिलिटी शिट भाई डिफेंस दबा दिया काम खत्म, अभी तो मैं गया गया मार ओ भाई यार डिफेंस बुरा हाल बहुत ज़्यादा, स्नाइट गया तो स्नाइट को छोड़ो मैं लेके आया हूँ अपना क्या नाम है इसका गोल्डा, ये चमेट एंड समेट ब्रेकर गोल्डार स्ट्रांच क्या नाम है इसका गोल्डार स्टॉम्प है ना बढ़िया, ओ भाई साहब एक गोल्डार स्टॉम्प अगेन एंड बूम क्रिटिकल लगे यार तो मजा आए, ये है वेनम एरो इसके पास है लेवल 3 यार, ये इतनी आसानी से मुझसे कैसे मार खा गया, इसके पास तो लेटेस्ट रेंडर ना मास्टर मफर ओके अच्छा अब ये देगा कॉम्पिटिटिव बैटल, मैं बता रहा हूँ ये बैटल बहुत ख़तरनाक जाने वाली है क्योंकि इसके मूव्स जब पढ़ना शुरू होते हैं ना भाई तो मारना बंद नहीं करते, 3 और 4 की मूव कॉस्ट है इसकी
और भाई हर मूव के बाद आप रिकवरी ले सकते हो आराम से। जैसा कि मैं जान रहा था स्टार्टिंग से इसने बहुत तगड़ा मुझसे सुताई हुई इसकी, एंड उसके बाद देख लो ये जब मेरी कॉस्ट 4000 भर जा रही इसके एक मूव में, तो भला उसकी कॉस्ट क्यों ना एबिलिटी। ठीक है, मैंने पहले बोला था यार मास्टर बफर वाला रेंजर है, मारने का मौका नहीं देता, हर मूव के बाद मूव कॉस्ट मतलब भर सकती है और बचने का कोई चांस नहीं। मैं भी गया, गोल्डर अच्छा है बट इसके सामने नहीं टिकेगा भाई, और ऊपर से इलाइट प्लेयर था रैंक 51। ओ भाई साहब, तो गोल्डर को छोड़ो, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्या नाम था इसका, दाइशी फैंटम बीस्ट क्या बोलते हैं इसका, फर्स्ट स्लॉट का मूव है, बहुत सही है। और मैं बुरा मतलब मेरे मुझे कहते हैं बुरा लग रहा है कि दाइशी मेरा बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं है, लेवल 6 एबिलिटी है जिससे मैं शायद से कुछ उखाड़ ना पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि शायद से मैं जीत जाऊँ। मुझे लगा शायद ये अपग्रेड है इसलिए मैंने बैटर लगा दिया, लेकिन वो जिस किसी के पास भी ये अपग्रेड है उसे पता है कि दाइशी एक बढ़िया करेक्टर है, अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो एक बढ़िया करेक्टर है, अगर हम नहीं कर सकते यूज़ तो भाई बेकार। मेरे पास एक ही शील्ड है वो भी बहुत रेयर, मैं यूज़ कर सकता हूँ। गया 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 एबिलिटी, ओ भाई इसकी एबिलिटी आ गई आ गई, वो चलो स्ट्राइक, एक ब्रेकर, अगेन एक स्ट्राइक, बूम बूम एंड बुश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 10,000 किस भी एन रे यार, फैंटम बीच नहीं दबा मुझसे, वरना एक और मूव में मार सकता था शायद से। फिलहाल इससे जीतना मुश्किल था क्योंकि एबिलिटी ही 6 है और हेल्थ भी 35,000 थी, एबिलिटी देख लो 6 है, डैमेज भी बहुत कम है। मैं लेके आया हूँ अब रेड साइको जिसकी मेरे पास ब्लैक स्किन है, तो कुल मिला के ये ब्लैक साइको है। ब्लैक साइको की एक सुपर वाली बात अच्छी है जो कि मिडल स्लॉट बहुत सही है, फास्ट है, और फर्स्ट स्लॉट उसका उससे भी ज़्यादा सही है क्योंकि उसका डैमेज बहुत हार्ड है भाई। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट स्लॉट ज़्यादा मारने का क्योंकि उसका डैमेज बहुत हार्ड है, एक शॉट में बहुत सही मिलता है डैमेज। वो ये देखो कितना तगड़ा डैमेज था भाई, एक स्ट्राइक, इसका मैं पावर कंज्यूम करूँगा करीब 3 और मेरे को मिलेगी कितनी 1.5, बुरा हुआ। ओके तुमने कैंसिल क्यों किया, 9,700, अब एक भी शील्ड ली थी मेरे पास। ओके एक स्ट्राइक मारूंगा, एक ब्रेकर, काम खत्म। अभी भी एक स्ट्राइक एक ब्रेकर मार सकता हूँ मैं, 8 की एबिलिटी हो और चलो स्ट्राइक 500, बहुत थार्ड भाई, क्या बात है। देखा इसकी मतलब रिकवरी भी अच्छी है, रेड साइको की रिकवरी भी अच्छी है एंड डैमेज तो सही है भाई। कल्याण साई भाई बहुत बढ़िया, आओ। और मेरे पास है अभी के लिए मतलब मेरे पास बहुत अच्छा अपग्रेड तो नहीं है ये, लेकिन ये एक बढ़िया करैक्टर है, जहाँ तक आप लोग जानते हो यार ये एक बढ़िया करैक्टर है। इसका नाम है डैनी डेलगाडो और बढ़िया है यार, इसका मिडल स्लॉट का डैमेज सबसे ज़्यादा अच्छा है। जेंजी उधर ऐसे क्यों मारने के बाद अगर मैं ट्राई करूँगा बीनसन चार्ज, एंड उसके बाद मैं मारूँगा एक स्ट्राइक एक्स फ्यूरी अगर मैं से पड़ी तो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पड़ेगी। चमेट अब बीनसन चार्ज, चलो कम से कम जेंजी उधर रेस्क्यू से एक बना मेरा काम, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक, डैमेज सही हो भाई, डैमेज खतरनाक है इसका। स्ट्राइक एंड एक्सप्लोरी भाई साहब। तो यार गेम आपको कैसा लगा यानी कि गेम प्ले, तब तक के लिए मिलते हैं अपने वीडियो में, टिल देन सभी को बाय।